तो नमस्कार गाइस, चलिए अब हम अपना ब्लॉग यहीं पे स्टार्ट कर चुके हैं। नागपंचमी के आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, और इसे गांव में गुड़िया बोलते हैं। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं हमारे घर में क्या क्या बन चुका है। हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ दर, तुम ये खाना खाया हो का उंगन से? हाँ, गोझा खाया हो? देख सकते हो गाइस, ये आज नागपंचमी के दिन यहाँ पे लाए गए है। एक कोयल है, जब इसके पास हाथ ले जाओ तो ये चिल्लाती रहती। या इधर बन रहा गोझा ला, हमका सबका दिल थोड़ा हम खाई। ये देखो, ये चीनी वाला गोझा है, गुड़ वाला गोझा अभी रखा होगा कहीं। अरोई की सब्जी बनी थी और खीर बना हुआ था, पूड़ी रखी है। तो गाइस देख सकते हो, ये चीनी का गोझा है। चलिए इसे खाते हैं, अभी बहुत तेज गर्म है। आप लोग को कौन सा गोझा पसंद है, गुड़ का या फिर चीनी का? दस लड़के यहाँ देखो, सब्जी चीनी का, पूड़ी खाइयो चीनी का। चलो ठीक है, मीठा है थोड़ा गोझा, मीठा अच्छा लगता है। मीठा है अभी। हाँ। मतलब ज्यादा मीठा नहीं लग रहा हमें तो। अच्छा अच्छा, थोड़ी चीनी। चलिए अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे। सावन का है लेकिन झूला तो पड़ नहीं है। हाँ, पड़ा नहीं है झूला, पड़ा बहुत नहीं पहले पड़ता था हमारे यहाँ, झूला अब नहीं पड़ रहा। देख सकते हो, अभी हम इसमें लिए हैं गेहूँ, और बहुत सारे लोग चावल भी लेके आते हैं। हम घर से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं उधर माता रानी का है, वहाँ पे चौथरा है, वहीं पे हर साल होता है। तो चलिए आगे आपको हम दिखाते हैं। देख सकते हो गाइस, ये झंडा हमको दे दिए सानू भाई ने, अब यहाँ पे पीटेंगे। देख सकते हैं आप कितनी भीड़ लग चुकी है पूरे में। आगे भी भाई आइयो, जिसको वीडियो में आना है आगे आगे आ जाए। बल्ब के मोबाइल में। हाँ 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 बोल। बढ़िया पीटे हैं, और कल्लू भाई हमारे उस साइड में खड़े हैं, वो अभी नंबर जाते हैं उधर साइड में करना। हाँ देखो, वो भी पीटने ही आया भाई। हाँ बोलो, गुड़िया पीटे के लिए तैयार हो? बोल तैयार। हाँ तुम्हारा डंडा कहाँ है? सब लोग रहे, देखो कितना बड़ा डंडा लिए अपने नाम से छोटा। पीटो सानू भाई, आ गया। हाँ बोला भाई, पीटो। बस इतना भोगता है। हाँ बुद्धा भाई, वीडियो बना रहे होगा। ये देखो भाई जी, यार पूरा त्योहार का मजा ले रहे हैं सब लोग। विजय, ए विजय, गोजा वोजा खाओ कि केवल ऐसे पीटे चले आए? पीट रहे हो? बोला भाई, देखो हमारे आधा डंडा तूल लिए हैं, अब इसे ले जाकर खेत में गाड़ेंगे। खेत में गाड़ोगे ना? हाँ हाँ, ताकि भूत परेत ना हो। गोड़ियों ने कैसे कूदियो? अबे भाई यार, रीति रिवाज को मतलब भूल जाओ। देख लो, अखाड़ा कूदने के लिए बना दिए हैं, लेकिन कूदने के लिए फरुआ नहीं लाए कोई। देखो यहाँ पे अब खोदना स्टार्ट हो चुका है, अब सब अखाड़ा कूदेंगे। क्या नाम है? छोटे लाल। हाँ छोटे लाल भाई हमारे यहाँ पे खोद रहे हैं बारी बारी से। खोदो 10 करोड़, 10 करोड़। ये अब हमारे रवि भाई यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं खुदाई बारी बारी से, सब लगे हुए हैं। मेन आ गए हैं यहाँ पे हट भाई। भाई अभी सबसे आगे है भाई। शंकर भाई अब हमारे आ रहे हैं यहाँ के सबसे आगे जाने वाले। ये देखो भाई, सबसे ऊपर एक नंबर पर है अभी। अच्छा
बहुत सही सौदा ही दे अब यही बात पर। हटो 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 कैमरा मैन जल्दी फोकस कर। वैसे ज्यादा आवाज आ रहा है आगे होता है यार। गांव के मेन सही तैयार है भाई, ये आर्मी की तैयारी हो रही है इधर। बहुत सही धरती या टकला। तुमका ये हमारे शिवम भाई यहाँ पे विजेता आ चुके हैं, इधर दिखाओ शिवम भाई विजेता यहाँ पे अकाड़े में सबसे आगे आए हैं। दूसरे नंबर पे शंकर भाई को दिखा दो थोड़ा। पहले नंबर पे को है पहले नंबर पे है तो ऐसे पूछो महेश भाई डंडा स्नापत रहे। महेश भाई कौन है? प्रेमचंद। थोड़ा देख के क्या है नहीं बाद में गए ये पुराने खिलाड़ी आकाश रहे थोड़ा आसपास आकाशों का बीच में आकाश का यही खेल बराबर। चल टेंशन ना ले अगले साल तो कहीं जीते हम खेल रहे आप लोगों ने या रीति रिवाज देख कर आप लोगों को कैसा लगा? फर्स्ट नंबर पर तो शंकर ही आए थे। तो चलिए गाइस अब हम अपना ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गुड बाय। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।